सेक्शन टू सब सेक्शन वन ए की बात हम लोगों ने करी थी लास्ट वाले लेक्चर में, यानी एग्रीकल्चरल इनकम की हम लोग बात कर रहे थे। उसमें हमने तीन चीज़ों से होने वाली इनकम एग्रीकल्चरल इनकम मानी जाएगी ऐसा हमने कुछ पढ़ा था। कौन कौन सी वो तीन चीज़ें थी? पहला तो रेंट फ्रॉम एग्रीकल्चरल लैंड, दूसरा इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, एंड थर्ड एंड लास्ट वी हैव स्टडीड डेट क्या इनकम अगर हमारी फार्म बिल्डिंग से यानी कि फार्म हाउस वगैरह से होती है तो हम उसे क्या मानेंगे? एग्रीकल्चरल इनकम मानेंगे इन तीन चीज़ों के इनकम को। लेकिन फार्म की जो बिल्डिंग है, वो जो फार्म बिल्डिंग है या आप कह सकते हैं उसे फार्म हाउस है, उसकी इनकम को एग्रीकल्चरल इनकम मानने के लिए कुछ शर्तें थी। वो शर्तें अगर आपने पूरी करी हुई हैं, वो कंडीशन मैंने लास्ट वाले लेक्चर में बता दी थी आपको, अगर आप उसने उन्हें पूरी करते हैं तो ही आपकी वो इनकम जो आपकी जनरेट होगी कहाँ से, फार्म हाउस से, वो तभी आपकी एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी, अदरवाइज नहीं मानी जाएगी। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, कोई डायरेक्टर हैं किसी मूवी के, क्या हैं? डायरेक्टर हैं किसके? किसी मूवी के। वो आपसे मिलने आते हैं, आप कौन हैं? आप किसान हैं, फार्मर हैं, आपका एक फार्म हाउस है जो कि काफ़ी फैला हुआ आपका फार्म हाउस है। अब पॉइंट की बात, वो आते हैं, बोलते हैं आपसे कि हमें आपका फार्म हाउस कुछ दिनों के लिए शूटिंग करने के लिए किराए पर चाहिए। बात समझना, वो आते हैं फार्मर से कहते हैं कि हमें कुछ दिनों के लिए आपका फार्म हाउस शूटिंग के लिए चाहिए, हमारा कोई शूट ऐसा होना है कि जो आपके फार्म हाउस के इर्द गिर्द हो जाएगा या आपके फार्म हाउस में हो जाएगा। वो फार्म हाउस की इनकम हम आपको दे देंगे, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। अब मान लेते हैं कि उस मूवी से उस डायरेक्टर ने आपको जो दिए, आप कौन? लैंडलॉर्ड हैं, मैंने पहले ही कहा था किसान है, आपको 2 लाख रुपये दे दिए रेंट के। मान लेते हैं सर ये तो ज़्यादा हो गया, ज़्यादा नहीं है मूवी के बजट के हिसाब से, उन्होंने वहाँ पर डेकोरेट भी करा होगा, अपने तरीके से चीज़ों को अरेंज करा होगा, 2 लाख रुपए मान लेते हैं लमसम अमाउंट की तुम्हें मिल गई कैसे, एज अ रेंट, ठीक है ना, एज अ रेंट आपको क्या मिल गई? 2 लाख रुपए की एक अमाउंट मिल गई जो आपकी किससे हुई इनकम। आप कहेंगे जी मेरी तो एग्रीकल्चरल इनकम मानी जाएगी क्योंकि ये मेरी फार्म हाउस से हुई है। नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है, आपने कोई एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ वहाँ नहीं करी, इस टाइप की इनकम आपकी एग्रीकल्चर की इनकम नहीं मानी जाएगी। इस टाइप की इनकम को आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में रखेंगे, ध्यान रखना, क्योंकि सैलरी भी नहीं हो सकती, हाउस प्रॉपर्टी भी नहीं हो सकती। हाँ कुछ केस में हाउस प्रॉपर्टी हो सकती है क्योंकि हमने उसे रेंट पर दिया था, और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वाले चैप्टर में हम उस चीज़ को देखेंगे, अदरवाइज वो कहाँ जाएगी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आपकी जाएगी। ठीक है बच्चों, जी सर आगे की बात करते हैं, आज कुछ पॉइंट हैं उन्हें देख लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे पार्टली एग्रीकल्चरल इनकम की। क्या पॉइंट हैं सर? सुनो, एग्रीकल्चरल लैंड है मेरे पास, उससे दो तरीके की इनकम मेरी हो सकती है। दो तरीके की कैसे इनकम सर? एक तो मेरी डायरेक्ट इनकम हो सकती है, एक मेरी इनडायरेक्ट इनकम हो सकती है। सर ये कैसे? अभी बताते हैं। एंड डायरेक्ट इनकम जो आपकी होगी वो आपकी एग्रीकल्चरल इनकम मानी जाएगी, ध्यान रखना, लेकिन इनडायरेक्ट इनकम आपकी नॉन एग्रीकल्चरल इनकम मानी जाती है। क्या मानी जाती है? नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। इन्हें ध्यान से फोकस से सुन लेना, नोट कर लेना, बहुत ज़रूरी हैं। सर डायरेक्ट बताओ ना, डायरेक्ट तो मैंने लास्ट वाले लेक्चर में क्लियर करी थी आपको, डायरेक्ट इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल लैंड इज ट्रीट एज अ एग्रीकल्चरल इनकम, बट नॉन डायरेक्ट इनकम या हम कह सकते हैं इनडायरेक्ट इनकम इज नॉट टैक्सेबल अंडर द हेड एग्रीकल्चरल इनकम, इज नॉट ट्रीट एज अ एग्रीकल्चरल इनकम। क्या ट्रीट करी जाएगी? वो अदर सोर्स मानी जाएगी, या देखना पड़ेगा कि वो क्या चीज़ है। सर एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसका? एक फार्म का मैनेजर है, ठीक है, एक फार्म का मैनेजर है जो कि सैलरी रिसीव करता है, जो कि फॉर्म का मैनेजर है, मैनेजर को सैलरी मिलती है। अब सैलरी मिलती है तो उसने उसकी द्वारा प्राप्त हुई जो सैलरी है वो तो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज से नहीं हुई कुछ भी, तो उसकी सैलरी कहाँ जाएगी? सैलरी वाले हेड में, उसमें टैक्सेबल लगेगा। वो ये नहीं कह सकता गवर्नमेंट से कि मैं एक ऐसी फॉर्म में काम करता हूँ जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज से रिलेटेड है या एग्रीकल्चर इनकम कमाती है। भाई एग्रीकल्चर इनकम जिसको होती है होती है, तुम्हें नहीं होती ना, तुम्हें क्या होती है? सैलरी की इनकम। तो सैलरी के अंदर, या आप कह सकते हो सैलरी के अंडर वाले हेड में आप पर टैक्स लगेगा, ठीक है। एक तो एग्जांपल हो गया ये कि सैलरी
टू अ फार्म मैनेजर। पहला पॉइंट इसका मैं अगर बताऊं इसका इनडायरेक्ट इनकम का, सैलरी टू अ फार्म मैनेजर, फार्म मैनेजर जो है उसको अगर कोई सैलरी मिलती है वो और डिविडेंड ले लेते हैं, डिविडेंड फ्रॉम अ कंपनी, और कंपनी जो कि डेट इज इंगेज्ड इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, जो किसमें इंगेज्ड है, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में इंगेज्ड है, ऐसी किसी कंपनी से अगर आपको डिविडेंड रिसीव होता है तो वो डिविडेंड भी आपका एग्रीकल्चरल इनकम नहीं मानी जाएगी। यानी कि अगर घुमा फिरा करके आप किसी इनकम को एग्रीकल्चर इनकम बनाना चाहोगे तो वो आपकी इनकम एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानी जाएगी। हाँ, डायरेक्टली जो आपकी इनकम होगी वो आपकी एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी। ठीक है सर, लेकिन अब ये तो बताओ कि फिर ये वाली इनकम कौन से हेड में टैक्सेबल होगी? ये तो सैलरी की इनकम है, इनकम फ्रॉम सैलरी में होगी। ठीक है, IFS इनकम फ्रॉम सैलरी में, ये डिविडेंड है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में होगी। ठीक है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में होगी हमारी डिविडेंड की इनकम, क्योंकि हमें एक कंपनी से मिला है। हालांकि इसमें भी अपने अपने प्रोविजन है कि इंडियन कंपनी से है या फॉरेन कंपनी से, वो हम देखेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। इतना नोट करें, आगे बढ़ते हैं फिर हम। चलिए, जमीन से होने वाली इनकम को देख रहे हैं हम, कि इनकम फ्रॉम लैंड, क्या देख रहे हैं, इनकम फ्रॉम लैंड यानी कि जमीन से होने वाली जो इनकम है उसमें हमने अभी तक एक चीज देखी है, एग्रीकल्चरल इनकम। ये फुल्ली एग्रीकल्चरल इनकम हम हमने अब तक के लिए बात करी थी। कौन सी सर? फुल्ली एग्रीकल्चर इनकम कौन सी होती है सर? जो आपने अब तक पढ़ी है वो सारी की सारी फुल्ली एग्रीकल्चरल इनकम थी। ऐसा तो नहीं था कि रेंट फ्रॉम एग्रीकल्चरल लैंड जो आपको मिल रहा था उसका हाफ पोर्शन मैंने बताया हो कि एग्रीकल्चरल लैंड है, सॉरी एग्रीकल्चर इनकम है, और बाकी की नॉन एग्रीकल्चर है, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो हमारी जो लैंड से होने वाली इनकम है वो तीन तरीके की हो सकती है। तीन तरीके की इनकम हमारी एग्रीकल्चरल लैंड से रिलेटेड हो सकती है, या हम कह सकते हैं उसे लैंड से रिलेटेड हो सकती है। सर कौन कौन सी इनकम है ऐसी, सुनो जरा। एक तो एग्रीकल्चरल इनकम हो गई फुल्ली वाली, एक हो गई पार्टली एग्रीकल्चरल इनकम, और एक है आपकी नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। कौन सी है सर? नॉन एग्रीकल्चरल इनकम, नॉन एग्रीकल्चरल इनकम, ध्यान रखना। ये तीन इनकम आपकी हैं, कौन कौन सी? फुल्ली एग्रीकल्चरल इनकम, पार्टली एग्रीकल्चरल इनकम, और नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। फुल्ली का मतलब जो भी इनकम होगी इसमें टोटल एग्रीकल्चरल इनकम मानी जाएगी। पार्टली का मतलब है कुछ हिस्सा एग्रीकल्चर का माना जाएगा और कुछ हिस्सा इनकम का नॉन एग्रीकल्चरल इनकम का माना जाएगा। नॉन एग्रीकल्चरल की इनकम की मैं बात करूँ तो ये एग्रीकल्चरल इनकम मानी ही नहीं जाएगी। ये तो कौन सी इनकम मानी जाएगी? नॉन एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी। कौन कौन सी चीज़ें हैं इसमें, वो आपको धीरे धीरे करके समझनी है। सर फुल्ली एग्रीकल्चर इनकम तो हम पढ़ चुके, बिल्कुल सही बात है। अभी तक जो हमने पढ़ा है कि रेंट हमें रिसीव हो जाए, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ से हमें पैसा आ रहा हो, या फार्म हाउस से हमारी, अगर वो शर्तें पूरी हों, वो फार्म हाउस की इनकम हमारी एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी, तो वो सारी हमारी फुल्ली एग्रीकल्चर इनकम थी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे पार्टली एग्रीकल्चर इनकम, और नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे नॉन एग्रीकल्चर इनकम। चैप्टर आपका फिनिश, एक रह जाता है इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर इनकम वाला कॉन्सेप्ट, वो हम बाद में देख लेंगे, कोई बड़ी बात इसमें नहीं है। ठीक है, हटा दूं। चलिए, पार्टली एग्रीकल्चरल इनकम हमें पढ़नी है। क्या पढ़नी है? पार्टली एग्रीकल्चरल इनकम हमें पढ़नी है। ठीक है, पार्टली एग्रीकल्चरल इनकम कौन सी इनकम होंगी? कुछ ऐसे व्यवसाय हैं या कुछ ऐसी मैन्युफैक्चरिंग चीज़ें हैं, प्रोड्यूस हैं, प्रोडक्ट हैं, जिन्हें हम अपने खेत में उगाते हैं, उगाया और उन्हें हमने बेचा। गवर्नमेंट कहती है कि ऐसी इनकम एग्रीकल्चरल इनकम भी मानी जाएगी और नॉन एग्रीकल्चरल इनकम भी मानी जाएगी, लेकिन कितना कितना परसेंट मानी जाएगी वो हमें देखना होगा। समझो, पार्टली एग्रीकल्चरल इनकम की बात कर रहे हैं हम।
कौन कौन से ऐसे बिजनेस हैं वो हमें देखने हैं। यहां रख लेंगे एग्रीकल्चरल इनकम का हिस्सा और यहां रख लेंगे नॉन एग्रीकल्चरल इनकम का हिस्सा, ठीक है। और उसके पहले हमें देखना होगा नेम ऑफ आइटम्स या कौन कौन सी वो चीज़ें हैं, तो वो हमें देखनी है, ठीक है। चलिए पहला केस सर, कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको उगाने से हम दोनों तरीके की इनकम कमाते हैं, एग्रीकल्चर इनकम भी कमाएंगे, नॉन एग्रीकल्चर भी इनकम कमाएंगे, कौन सी? सुबह को पीते हो आप चाय, उस चाय की इनकम को, यानी कि इनकम फ्रॉम टी लिख दूँ डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि चाय के व्यवसाय, एक तरीके से आप चाय को उगाते हैं, उगाया आपके यहाँ पर ही आपके खेत में चाय उगाई जाती है, चाय को हम बेच देते हैं, जो चाय की पत्ती होती है बेसिकली, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसका कितना पोर्शन एग्रीकल्चरल इनकम है, कितना पोर्शन उसका नॉन एग्रीकल्चरल इनकम है, वो बात कर रहे हैं हम। तो 60% इनकम फ्रॉम टी जो होती है वो एग्रीकल्चर इनकम है, और 40% ऑफ डैट पर्टिकुलर इनकम विल ट्रीट एज अ नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। यानी अगर मैं कहूँ आपसे, मैंने अपने एग्रीकल्चरल लैंड पर कोई इनकम करी है जो किससे है, मेरी टी से है, चाय से है, तो उसका 60% क्या माना जाएगा? एग्रीकल्चरल इनकम, यानी कि 120,000 मेरी एग्रीकल्चरल इनकम होगी, और 80,000 यानी कि 80,000 मेरी नॉन एग्रीकल्चरल इनकम होगी। उसके बाद हम इस पर टैक्स कैलकुलेट, सर टैक्स कैलकुलेट करेंगे, हाँ टैक्स कैलकुलेट करेंगे हम इस पर, वो देखेंगे कैसे करते हैं। ध्यान रखना एग्रीकल्चरल इनकम डो नॉट पार्ट फ्रॉम ग्रोस टोटल इनकम, बट वी इंक्लूड टू इट इन द ग्रोस टोटल इनकम, वो देखेंगे हम, न्यूमेरिकल करेंगे। अभी मैं इस बात के लिए कोई डिस्कशन नहीं करना चाह रहा यहाँ पर, वरना आप लोग कन्फ्यूज़न में पड़ जाएंगे। चलिए दूसरी बात करते हैं, कौन सा ऐसा दूसरा प्रोड्यूस है या प्रोडक्ट है, देखो जरा, फ्रॉम कॉफ़ी। चाय वालों को तो देख लिया, कॉफ़ी वालों को भी देख लेते हैं। कॉफ़ी की जो इनकम है 75% तक क्या मानी जाती है? एग्रीकल्चरल, और 25% तक मानी जाती है नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। बट इसमें एक एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन क्या है उसको जरा नोट करेंगे आप। आपने कॉफ़ी उगाई, लेकिन कॉफ़ी को आपने रोस्टेड करा, ग्राउंडेड करा, यानी कि भूना, उसे पीसा, उसमें कुछ एक्टिविटीज़ करी, और उसके बाद में आपने अगर उसे बेचा, तो ये वाली परसेंटेज फॉलो नहीं होंगी, फिर एक अदर परसेंटेज वहाँ पर लग जाती हैं। सर कौन सी परसेंटेज हैं वो, तो उसे सुनो, यानी कि आपने इनकम करी किससे? कॉफी से, विद रोस्टेड एंड ग्राउंडेड, भूनकर और पीस करके अगर आप उसे व्यापार करते हैं, यानी कि आप उसे सेल आउट करते हैं, तो उसका 60% आपका क्या माना जाएगा? एग्रीकल्चरल इनकम, और 40% आपकी क्या मानी जाएगी? फिर नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। बट अगर ये नहीं होता है तो ध्यान रखना, बट अगर ये ना हुआ, डायरेक्ट आपने क्या करा, इनकम कहाँ से? कॉफ़ी आपने उगाई, उगाने के बाद में उसे बस ऐसे ही बेच डाला, विदाउट रोस्टेड एंड विदाउट ग्राउंडेड। लेकिन इसमें क्यूड वर्ड आ सकता है, क्यूड वाला। क्यूड का मतलब बेसिकली होता है इसमें, संशोधित करके होता है वैसे इसमें, ठीक है ना। क्यूड वर्ड अगर आए इसमें, तो क्यूड का मतलब यहीं पर है, वो 75 है। लेकिन ये दो वर्ड आ जाए अगर, रोस्टेड और ग्राउंडेड, तो हम क्या करेंगे, 60 और 40 लाइक चाय वाले जो केस में था, टी वाले केस में, उसे फॉलो करेंगे हम परसेंटेज को, ठीक है। ओके सर, इसमें एक चीज़ मात्र और रह जाती है, एक चीज़ और क्या रह गई है वो भी देख लो, इनकम फ्रॉम रबड़। रबड़ का जो बिजनेस होता है वो भी, मैन्युफैक्चरिंग अगर हम कुछ करते हैं रबड़ वगैरह की, तो ध्यान रखें रबड़ के बिजनेस में 65% तक की जो इनकम होती है एग्रीकल्चरल इनकम मानी जाती है, और 35% तक की जो इनकम होती है वो हमारी नॉन एग्रीकल्चरल इनकम मानी जाती है। बस आपके लेवल के लिए यहीं तक काफ़ी है, आप यहीं तक रखें इसे, इससे आगे आपसे एग्ज़ाम में नहीं पूछेगा, आई गारंटी।
चलो ठीक है। तो क्या समझ में आया, टी के बिजनेस से अगर आप कोई इनकम कमाते हैं अपने यहाँ पर, टी के बिजनेस से नहीं सॉरी, टी वाले प्रोडक्ट से, ठीक है। अगर मैं बिजनेस कह रहा हूँ तो वो गलत है। टी के बिजनेस, टी का बिजनेस तो वो हो गया ना कि मैंने चाय खरीदी या मैंने टी खरीदी उसे बेच दिया, भाई ऐसी इनकम तो मेरी पीजीबीपी में जाएगी ना, वो फिर मेरी एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानी जाएगी। हाँ मैं टी को अपने यहीं पर उसे उगाता हूँ, उगाने के बाद में उसे मार्केट में सेल करता हूँ, तो मेरी ये वाली इनकम पार्टली एग्रीकल्चर इनकम का हिस्सा बनती है, और पार्टली एग्रीकल्चर में 60% एग्रीकल्चरल और 40% मेरी नॉन एग्रीकल्चर इनकम मानी जाती है। अगर मैं कॉफ़ी की बात करूँ तो कॉफ़ी मेरी 75% विदाउट रोस्टेड एंड ग्राउंडेड विल बी ट्रीट एज अ एग्रीकल्चर इनकम, एंड द रिमेनिंग पार्ट विल बी ट्रीट एज अ नॉन एग्रीकल्चर इनकम, दैट इज 25%। बट अगर उसमें हमने क्या करा है, कुछ उसके साथ ऐसी एक्टिविटीज़ करी हैं कि उसको मार्केट में और अच्छा बेचा जा सके। कॉफ़ी को अगर आप देखेंगे, सूंघेंगे एक बार, कभी स्मेल आती है उसमें, वो जो सुगंधित जो पदार्थ तो होते होंगे जो भी उसमें मिलते हैं, अगर आपने उसे मिलाया है यानी कि रोस्टेड ग्राउंडेड वगैरह करके उसमें आपने कुछ एक्टिविटीज़ करके उसे मार्केट में सेल करा है, देन उसकी 60% और 40% आपको परसेंटेज लेनी है। बात करते हैं लास्ट की रबड़ वाले बिजनेस की, रबड़ वाले बिजनेस में कितना था हमारा, 65% और 35% हम नॉन एग्रीकल्चर इनकम उसे ट्रीट करते हैं। आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे, अगली क्लास में हम पढ़ेंगे नॉन एग्रीकल्चर इनकम। कंप्लीट है, थैंक यू बच्चों।